अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुसैन तारिक, आपका होस्ट और शेफ़ प्रोग्राम में फिर खाते पीते। आज जो हम चीज़ बना रहे हैं या डिश बना रहे हैं उसको हम ट्राइफल या इंग्लिश पुडिंग कहते हैं। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। के लिए आपको केक चाहिए, स्लाइस स्पंज केक, फ्रेश क्रीम चाहिए, अखरोट चाहिए, शक्कर चाहिए, कॉर्नफ्लावर, जेली, पीचेस, नींबू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिल्क। ट्राइफल या इंग्लिश पुडिंग के लिए आपको जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए आपको एक कस्टर्ड बनाना है। सबसे पहले हम तकरीबन एक लीटर दूध डेगची में डालते हैं। साथ में हम कॉर्नफ्लावर जो है तकरीबन दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर कोशिश करें कि आप पानी में या दूध में थोड़ा सा घोल के ऐड करें ताकि आपका जो कॉर्नफ्लावर है वो आराम से मिक्स, आपका या कस्टर्ड का जो कॉर्नफ्लावर है वो आराम से मिक्स हो जाए। यह आपने दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है एक लीटर दूध में तकरीबन ये चार से छः टेबलस्पून दूध में आपने कॉर्नफ्लावर मिक्स किया और आपने ये दूध में ऐड कर दिया। इसके बाद शक्कर आपके आपके हस्बे ज़रूरत, अगर आप डालना चाहें, ज़्यादा मीठा करना चाहें, कम मीठा करना चाहें, दैट्स टोटली अप टू यू। हम इसमें तकरीबन चार से पाँच टेबलस्पून शक्कर डालेंगे और इसको चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो पीचेस वगैरह भी पड़ते हैं और पीचेस का भी थोड़ा बहुत जो शीरा होता है वो होता है। ये आपका कस्टर्ड है और ये अब पक रहा है। ये तकरीबन पाँच मिनट में कॉर्नफ्लावर गाढ़ा होना शुरू होता है और ये कस्टर्ड बन जाता है। नाज़रीन देखें, ये इसी कंसिस्टेंसी देखें और इसका गाढ़ापन देखें, ये हो गया है। इसका हम चूल्हा बंद करते हैं और हम अपना काम शुरू करते हैं। अब आपने क्या करना है नाज़रीन, इस चम्मच को थोड़ा सा रेस्ट दें और एक और चम्मच लाएं और हम इसमें यहाँ हम कस्टर्ड बिछाना शुरू करते हैं। अभी हम ये इसको अब हम असेंबल कर रहे हैं। सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी तैयार हैं। हमने ये किया और इसको हमने यहाँ रखा ताकि आप लोगों को नज़र आए आराम से। और केक के स्लाइसेस हमने यहाँ बिछाने शुरू कर दिए। अब आपने ये केक इस पे डाला और आपने क्या किया, वापस से हम अपने चम्मच में आए और एक गरम प्याले में आपने दूध रखा और ये गरम दूध आपने ऊपर से पोर किया। ये ज़रूर करिएगा नाज़रीन, ये गरम दूध ऊपर से पोर किया आपने और आपने ये नींबू ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाला। थोड़े से कटे हुए अखरोट डाले और जो आपने पीचेस स्लाइस करके रखे हुए हैं वो ऐड किए। आप अपनी तरफ से बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपना हिसाब रखेंगे। आपके पास फ्रेश क्रीम है वो थोड़ी आपने ऊपर से पोर की। इसके बाद आपने क्या किया नाज़रीन, इसके बाद आपने और कस्टर्ड पोर किया। मर्जी आप लोगों की कि आप एक लेयर बनाना चाहें, मैं आपको यहाँ दो लेयर बना रहा हूँ क्योंकि प्याला छोटा है और जितना ये ठंडा होगा उतना अच्छा होगा। वापस से आपने ये किया, वापस से आपने थोड़ा सा केक ऐड किया फिर से आपने गरम दूध ऊपर से डाला ऊपर से नींबू। नींबू से ये होता है कि केक हमेशा बहुत सॉफ्ट रहता है और अगर दूध और नींबू आप करें, गरम दूध पे नींबू डालेंगे, मैं बिरयानी में भी आपको बताऊंगा जब बिरयानी बनाएंगे तो गरम दूध पे जब आप नींबू डालेंगे तो वो खोए का टेस्ट आता है तो बड़े मज़े का हो जाता है फ्लेवर। इसके ऊपर आपने फ्रेश क्रीम पोर की
आपने ऊपर से पीचेस, ये टिन वाले पीचेस हैं, ये फ्रेश पीचेस नहीं है, और ये वाला टेस्ट जो आएगा आपको टिन वाले पीचेस में ही आएगा। सबसे आखिर में नाजरीन, ये जो जेली मिलती है क्विक सेट, ये आपने जेली जमा के रखनी है। जेली आई एम श्योर सबको आती होगी जमाने, हम जेली का अलग प्रोग्राम नहीं करेंगे, और नहीं आती तो प्लीज़ सीख लें, हिदायत डिब्बे के पीछे लिखी होती हैं। थोड़ी सी आपने फिर क्रीम ऊपर डाली, जितना रिच होगा उतने मज़े का होगा, और सबसे आखिर में आपने जितने वॉलनट्स डालने हैं कटे हुए साफ हुए हुए, आपने ये डाल दिए। आपकी ये इंग्लिश पुडिंग या फ्रूट ट्राइफल तैयार है, और इसको अभी तो ऑब्वियसली गर्म है, इसको आप तकरीबन आधे घंटे बाहर रखें, जब इसका टेम्परेचर कूल हो जाए तो इसको फ्रिज में रखें, और निकालने से पहले आधे घंटा इसको फ्रीज़र में रखें ताकि बिल्कुल ये अच्छी तरह चिल हो जाए, और फिर इसको मेहमानों को पेश करें या घर वालों को पेश करें और दाद वसूल करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये था हमारा ट्राइफल या इंग्लिश पुडिंग। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट और शेफ हुसैन तारिक को। प्रोग्राम है फिर खाते पीते। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अ लिटिल एफर्ट। अल्लाह हाफिज़।